स्टार न्यूज युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। देश के केंद्रीय श्रम संगठनों की संयुक्त जिला कमेटी के श्रमिक सदस्यों ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। प्राप्त जानकारी अनुसार देश के विभिन्न केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा मोदी सरकार की गलत नीतियों, मजदूर व कर्मचारियों के शोषण, बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के विरोध में प्रमुख संगठनों की संयुक्त जिला कमेटी के सदस्यों ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें श्रम कानूनों में किए गए सभी मजदूर विरोधी संशोधन को वापस लेने, जिले के सभी सीमेंट उद्योग में फरवरी 2019 में मुख्य श्रम आयुक्त भारत सरकार ने दिल्ली के समक्ष हुए सीमेंट वेज बोर्ड समझौता लागू करने, लॉकडाउन के दौरान निकाले गए श्रमिकों को वापस लेने और उन्हें कोरोना काल का पूरा भुगतान देने, न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए करने सहित कई अन्य मांगे शामिल की गई। साथ ही देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर रोकथाम, पेट्रोल व डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को वापस लेने की भी मांग की गई। आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है जो हमारी संयुक्त ट्रेड यूनियन सेंट्रल की गवर्नमेंट की बनाई हुई है, उनमें केवल भारतीय मजदूर संघ को छोड़ करके एटक और एचएमएस, एक्टू, इंटक, ये सारी यूनियन सम्मिलित हैं। तो श्रम कानूनों में जो मोदी सरकार के द्वारा आए दिन बदलाव किए जा रहे हैं, इसके विरोध में हम निरंतर इनको ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके कान पर किसी तरह की जूं नहीं रही है। अभी भी प्राइवेटाइजेशन दिन पे दिन ये करते जा रहे हैं, जिससे श्रमिकों का एक तरह से हनन हो रहा है और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा, अभी लॉकडाउन अवधि में भी अभी यही हुआ था कि मजदूर बेचारे रोड पर चले हैं और उनको खाने तक के पैसे नहीं मिले हैं। और आज इनके द्वारा ये आदेश जारी किए गए थे कि जो भी लॉकडाउन की अवधि में मजदूर काम पे आएगा या नहीं आएगा, लेकिन उनको पूरा वेतन दिया जाएगा। लेकिन खुद सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों की पालना आज नहीं हो रही है और मजबूरन लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक की शरण लेनी पड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया है अपने उस निर्णय में, उसमें ये कहा है कि भाई जो भी श्रमिक लॉकडाउन की अवधि में चाहे कार्य पर आए या नहीं आए, उनको नौकरी से नहीं निकाला जाए और इनके वेतन के संबंध में यूनियन और लेबर के कमिश्नर बैठ करके और मैनेजमेंट के साथ बैठ करके इनका निदान कराए। लेकिन आज की तारीख तक मजदूरों को वो पैसा नहीं मिला है। काफ़ी मजदूर हिंदुस्तान जिंक का आपको मालूम है, कई मजदूर नौकरी से निकाल दिए गए हैं। बिरला सीमेंट, चित्तौड़ सीमेंट में आए दिन अभी तक भी कई मजदूरों के भुगतान नहीं हुए हैं और उनके द्वारा श्रम न्यायालयों में काम अगर इस तरह की कंप्लेंट की जाती है तो उनके मैनेजमेंट के द्वारा उन श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो हमारी मुख्य मांगे ये है कि एक तो जो बेरोजगार किया जाए, निजीकरण बंद किया जाए, जो मजदूर लॉकडाउन की अवधि में जिनको काम नहीं मिला है उनको 7,500 रुपए पर मंथ कम से कम अभी उनको पेमेंट दिया जाए। इस दौरान इंटेक के जिला अध्यक्ष विमल चंद जैन, लाल शर्मा, कालू राम सुथार और शांति लाल सहित कई श्रमिक उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।